हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारे मोबाइल का जो रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए दोस्तों 10 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। फाइनली रिचार्ज करवा लिए कल। दोस्तों आज बताते हैं 2825 टाटा डंपर के बारे में, इसका एसी कैसे चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए, फ़िलहाल तो दोस्तों ये 3 बटन है एसी को कंट्रोल करने के लिए। अभी एसी चल रही है इसमें। ये देखिए, इसका वो होता है कि हवा का मोड़ने का, अभी इसमें हवा चल रहा है। ये देख रहे, ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर का हवा आ रहा है। अगर इसमें रखेंगे तो ये ऊपर का भी आएगा, पैर पौधान पे भी नीचे जाएगा, और इसमें रखेंगे तो खाली पौधान पे जाएगा, और इसमें रखेंगे तो पौधान पे आएगा, और ये सामने जो दिख रहा है ये यहाँ तक देखिए, हुआ कम से कम 5 इसमें लगा हुआ है, तो इस यहाँ से आता है सबसे नीचे पर। तो गाड़ी में जो है दोस्तों चलाना चाहिए एसी बिल्कुल यही मूड में, इसी में चलाना चाहिए या तो इसमें चलाना चाहिए। फिलहाल इसमें चल रहा है ये, तो इसमें क्या होता है, खाली ऊपर हवा आएगा, नहीं आपके पौधान पे जाएगा ना शीशे पे जाएगा, खाली आपका जहाँ ज़रूरी है वहीं पे हवा आएगा। ये जो बटन है दोस्तों, ये एसी चालू करने का, इसको हम चालू कर देंगे तो गाड़ी कूलिंग करेगा, मतलब ठंडा करना लगेगा, और इसको बंद करेंगे तो बाहर का जितना हवा रहेगा, ठंडा रहेगा तो ठंडा खींचेगा, गर्म रहेगा तो गर्म खींचेगा। ये बाहर का मतलब कूलर मान लो, कूलर की हवा आएगा। ये दो लाइन दिख रहा है, ये दोस्तों है कि मतलब इसको बंद करने पे चाहे आप इसको कहीं भी रख दो तो ये बाहर का ही हवा खींचेगा, ठंडा नहीं करेगा। और इसका ये लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये लाइन का मतलब हुआ कि आप जितना हीट कूलिंग कर सकते हो गाड़ी का, जितना ठंडा कर सकते हो इसमें, अगर इस पर रखोगे तो पूरा कूलिंग करेगा, मतलब 5 मिनट में पूरा केबिन ठंडा कर देगा। अगर इससे साफ नीचे में रखोगे तो ये धीरे धीरे 1-1.5 घंटे पे गाड़ी ठंडा ले लेगा, केबिन ठंडा ले लेगा। तो ये फास्ट फास्ट का मतलब जितना फास्ट कर सकते हो, यही एसी का कुछ जानकारी रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।